हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है नया सा आज का वीडियो में। एंड कल मैं इस यहाँ पे रहा था, ये एक होटल था वैसे, अभी तो लाइट वाइट नहीं है पूरा। यहाँ पे रहा था मैं, मतलब मैं यहाँ सिलसर आ गया था ना गाड़ी मिल के, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेवलर दोस्त को फ़ोन किया, फिर वो हेल्प किया। वो दोस्त तो यहाँ नहीं रहता है, अलग जगह में रहता है, लेकिन वो मेरे लिए होटल अरेंज करके दिया था। तो अभी निकल रहा हूँ यहाँ से सिलसर से, आज फिर से त्रिपुरा जाऊँगा, कुछ जगह और भी घूमना है त्रिपुरा पे। इसके बाद देखते हैं, ज़्यादा दिन नहीं, 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं अभी। ऑटो अरे खोला नहीं गया, गया था। तो देखो कल से यहाँ पे बारिश भी हुआ था असम पे, अभी मैं निकल गया एंड स्टेशन के लिए कुछ गाड़ी या चल के जाता हूँ 2 किलोमीटर या सारी यहाँ से। अभी तो फिलहाल खुला भी नहीं, 8 बज गया ऐसे। बंद पड़ा है एंड काफ़ी जगह पे नोटिस पे बारिश हुआ था कल, तो बहुत लेट हो गया ट्रेन के लिए 8:30 बजे। वो हाँ, वो होटल का भी दरवाज़ा भी नहीं खुला, शायद ट्रेन छूट जाएगा आज मेरा। तो यहाँ से कहाँ पे? बदरपुर। बदरपुर में रुकेगा ना? अरे यार देखता हूँ मिलता है कि नहीं। 1 मिनट लेट होने से छूट जाता है मेरा ट्रेन, दौड़ दौड़ के पहुँचा है पूरा। गाड़ी वाला भी ज़्यादा मांग रहा था, बाद में 20 रुपीस में हो गया। आपको आपको वो बॉटम वाला गाना आता है, कच्चे बॉटम वाला? तो बात बोलता ना, अपना अगर कोशिश होगा तो अपना बनाओ, दूसरा से नकल नहीं करना चाहिए, दूसरा से नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए नकल करना। वो जो हम बोलता ना, कच्चा सुंदर चाना, आओ भाई मजेदार खाना, चलो चाना। और 2-3 आदमी वो हमसे वो नकल कर लिया, चाना वाला गाना बजा दो अभी। क्या हुआ तेरा वादा, आ भाई चाना देखे जाओ, कत सुंदर कारखाना, खाबो के खाबो ना भाबे ना, हां कोई ना कोई चाहिए चाना खाने वाला। वायरल हो जाओगे आप, नया गाना मिल गया चाना वाला, हम लोग भी देख लेना। कैसा लगा? अच्छा लगा? हां अच्छा लगा। चलो त्रिपुरा फिर से घुस गया है, थोड़ा दिखा रहता हूँ अभी नजारा आप लोगों को। चार बजे तक पहुंच जाएंगे अगर चला। चल रहा है यार ये ट्रेन, बोरिंग हो गया थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ आज का, थोड़ा बहुत बोर हो गया ना इसलिए। तो 8:30 बजे ट्रेन था सिलसर से स्टार्ट, एंड वहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए मिल गया, पूरा दौड़ के आ गया मैं। हम लोग को बताया शायद पहले भी, अगर 1 मिनट लेट हो जाता तो छूट जाता मेरा ये ट्रेन। उसके बाद अभी तेलीमुरा पार हो गया है, एंड अभी मिलने ही वाला है अगर कला, ऐसा कुछ पता नहीं कौन सा जीरानिया पे अभी रुका हुआ है। तो मैंने टिकट करवाया था कुमारघाट तक सिर्फ, मतलब वो बॉर्डर ऐसा होता है, थोड़ा सा आना पड़ता है बस त्रिपुरा एंटर करने के बाद। फिर सिर्फ वहाँ तक मैंने टिकट करवाया सिलसर से, और उसके बाद बाकी में अगरतला तक ऐसा ही आ गया। बाकी टिकट भी मिला था लेकिन कुछ नहीं मिला, पहला वाला तो कुमारघाट का आगे ही मिला तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी मिला था तो कुछ नहीं बोला भाई साहब ने। तो अभी ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है अगरतला, उसके बाद तो मेरा होश भी पहुँच गया अगरतला पे, एंड कुछ और भी पहचान बन गया यहाँ पे, ये ब्रो मिला है। हेलो ब्रो, क्या नाम है आपका वैसे? सुमन देवनाथ। हाँ। तो भाई साहब भी छोटा मोटा यूट्यूबर है, यहाँ पर चैनल का नाम क्या था? सुमन टीपीआर। अच्छा नया नया स्टार्ट किया है। हाँ। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हमने बातें किया यहाँ पे, अच्छा लगा, मतलब स्ट्रेंजर्स लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, एंड ऐसा ही कर लेता हूँ मैं, जिस जगह पर भी जाता हूँ वहाँ भी कर लेता हूँ, तो ऐसा कुछ अभी है। चलो पहुँच ही गया बात करते करते, एंड किस तरफ उतरना है? इस तरफ।
ये कुछ ऐसा है यार, जो भी पिछली बार जब आया था उस टाइम भी बहुत भीड़ था। तो चलो एग्जिट कर लेते हैं पहले। भाई साहब यहाँ पे इतना लंबा लाइन लगा है कोविड टेस्ट का। अभी अराइवल्स को यहाँ पे टेस्ट भी कर रहे हैं। ओहो इतना पीछा है, लग गया यहाँ पे इतना टाइम लग जाएगा। यहाँ भी लाइन, हर जगह लाइन, चाइनी लाइन। तो हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग, स्वागत है नया सा वीडियो पे। एंड मैं अभी चलते चलते थोड़ा सा कल का स्टोरी बता देता हूँ। तो कल अगरतला पहुँच गया था स्टेशन पे, फिर वहाँ पे मैंने वीडियो एंडिंग नहीं किया था। शायद वहाँ पे क्या हो गया कि कोविड का फिर से वो प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत सारा मतलब टेस्ट करना पड़ा, लाइन पे लगना पड़ा। इतना लंबा लाइन था, आप लोगों ने देखा ही वीडियो पे कल। उसके बाद अरे यार थोड़ा सा नॉइस आएगा, शायद हवा आ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से नेगेटिव हो गया, फिर वो ट्रेन से बाहर आ गया स्टेशन से। उसके बाद मैं ब्रदर से मिला, इस वाला ब्रदर से, हेलो। एंड ब्रदर का नाम है जोसेफ, जो कि मुझे अभी यहाँ पे होस्ट कर रहा है। एंड फिलहाल मैं ब्रदर का विलेज में आया था कल। ये विलेज का नाम तकरजला है ना, तकरजला गनियामारा है। तो मतलब अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, बाद में दिखाऊँगा यहाँ का नज़ारा। अभी थोड़ा सा देख लो ऐसे ही, बाद में अच्छे से बनाऊँगा। तो अभी हम एक जगह में जा रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल नज़ारा कुछ ऐसा है। फिर से आ गया त्रिपुरा का विलेज एरिया पे, एंड बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आके। ये देखो ऐसा हाल मार रहा है ट्रैक्टर से। तो अभी हम आज जा रहे हैं कुमुलंग में, जो कि एडीसी का कैपिटल है। एंड मैं बता रहा हूँ वहाँ पे जाके क्या है एडीसी वगैरह सब कुछ बताता हूँ। तो आप लोगों ने बहुत सारा लोगों ने व्यूअर्स लोगों ने बोला था कि कुमुलंग पे भी जाओ, त्रिपुरा में आ रहे हो तो कुमुलंग भी विजिट करो। तो आज मैं फाइनली जा रहा हूँ कुमुलंग पे। ये देखो कितना सुंदर देख रहा है ये नज़ारा विलेज का, पेडी फील्स वगैरह। माई बोलते थे ना आप लोग भी, माई। तो चलो कुमुलंग चलते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों को भी दिखाते हैं एंड कुछ बातें भी करते हैं वहाँ। अभी हम कुमुलंग पहुंच गया था। तो पहले यहाँ का कॉलेज दिखा देता हूँ आप लोगों को, डिग्री कॉलेज कैसा है कैपिटल का, मतलब एडीसी का कैपिटल का। ये देखो कुछ ऐसा है कुमुलंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कुछ ऐसा है। तो ये पीछे वाला कुमुलंग डिग्री कॉलेज था यहाँ का। तो हम अभी यहाँ पे आया स्टेडियम पे, जो कि कुमुलंग का स्टेडियम है। थोड़ा दिखा देते पहले, उसके बाद यहाँ पे ही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकेगा, शायद बात कर पाएगा। ये कुछ ऐसा है अभी स्टेडियम, कंप्लीट हो गया ना ब्रो? ये नहीं, ये गैलरी तो कंप्लीट हो गया, बस हाँ। अभी यहाँ पे ग्रास लगना बाकी है। अच्छा, ये थोड़ा सा बाकी है अभी भी, जल्दी लग जाएगा। तो गाइस हम कुमुलंग में आ गया था, उसके बाद आप लोगों को बता रहता हूँ यहाँ स्टेडियम पे चलते चलते। तो कुमुलंग जो है, किसी किसी को नहीं पता होगा क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि कुमुलंग जो है त्रिपुरा ट्राइबल्स एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक कैपिटल होता है, जो कि कैपिटल मतलब हेड क्वार्टर्स होता है। एंड शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलता है एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि हम बोल सकते हैं ये एक ट्राइबल्स एरिया, इंडिजीनियस एरिया है, जो कि सिक्स शेड्यूल के अंदर में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं हमारा बॉर्डरलैंड रीजन का, जो कि सिक्स शेड्यूल में अंदर में आता है। वहाँ पे भी बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन है। एंड डीमा हसाव डिस्ट्रिक्ट का हो, एनसी हिल्स है, नॉर्थ कासल हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, एंड वो कार्बी आंगलोंग का है। तो ऐसा ही त्रिपुरा में भी ऐसा काउंसिल है इंडिजीनियस लोगों का। एंड मणिपुर में भी है, जो कि ऐसा बहुत सारा सिक्स शेड्यूल एरिया है, जो कि यहाँ पे भी है त्रिपुरा में भी। एंड आप लोग बहुत सारा लोगों ने, त्रिपुरा का लोगों ने भी बोला था कि कुमुलंग में जाओ एंड विजिट करो। तो थोड़ा सा मैं आया, विजिट किया एंड आप लोगों से भी बातें अभी शेयर कर रहा हूँ क्या है। किसी किसी को नहीं पता होगा, मेरे भी बहुत अलग अलग जगह से व्यूअर्स है। तो हम उसका अभी भवन भी दिखा देते हैं, जहाँ में एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पे इस कुमुलंग पे सब इंडिजीनियस लोग ही है, अलग लोग नहीं मिलेगा। और उसका आसपास का एरिया पे भी ज़्यादातर इंडिजीनियस लोग ही है, जो कि किसी किसी को ट्राइबल्स बोलने से मालूम चलता है, लेकिन थोड़ा वो ट्राइबल बोलने से कुछ अलग ही होता है उसका मीनिंग। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंडिजीनियस पीपल,
तो यहाँ से हम अभी निकल गया स्टेडियम से, उसके बाद आप लोगों को अभी दिखा जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ का आसपास, के बाद अब अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, उसके बाद आप लोगों को आसपास भी दिखा जाता हूँ कैसा है। चलो ऐसे तो बस अभी हम आया है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पे, जहाँ से ये काउंसिल का गवर्नमेंट चलता है, ये कुछ ऐसा है एडीसी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। इतना ज़ोर से वो करने की क्या ज़रूरत है यार। तो ऐसा कुछ है, आप लोग घूम घूम के दिखा रहे हो आप लोग को, ये देखो एंड ये वाला नया वाला है ना ब्रो, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। ओके ऐसा कुछ है, यहाँ से ये काउंसिल का गवर्नमेंट होता है ना, मेन बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग। देखो पास में ऐसा गार्डन भी है, और यहाँ पे रास्ते के बीच में एक त्रिपुरा का जो राजा का स्टैचू भी है यहाँ पे, जो कि 1908 से 1947 तक राज किया था महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य, एंड कुछ ऐसा देख सकते हैं आप लोग, अभी भी है यहाँ पे स्टैचू। एंड ब्रो अभी इसका ग्रैंडसन अभी भी है ना, जी ग्रैंडसन, जो कि अभी भी राजा का रॉयल फैमिली उसका ग्रैंडसन अभी भी जिंदा है, और उसका उसका नाम क्या था ब्रो, ग्रैंडसन प्रद्योत किशोर माणिक्य, प्रद्योत किशोर माणिक्य है, एंड अभी भी लोग मानते हैं उसको, बहुत मानते हैं अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रैंडसन जिंदा है, मतलब रॉयल फैमिली अभी भी जिंदा है एंड अभी भी जी रहा है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे एक पार्क पे आ गया, वैसे मेरा पार्क वार्क का घूमने का था मतलब वो उतना इंटरेस्टेड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था दिखाने लायक, लेकिन ये कुछ अच्छा है। एंड यहाँ पे देखो स्टैचू भी है ट्रेडिशनल ड्रेस से, एंड कर्माटी मतलब क्या है ब्रो, खूबसूरत लड़की, खूबसूरत खूबसूरत लड़की, ओके प्यार से बुला रहे ना, प्यार से, ओह प्यार से, अच्छा अच्छा। और यहाँ पे भी है कुछ पलंग थी, ट्रेडिशनल ड्रेस पे है, एंड यहाँ पे कुछ इको पार्क का मैप, गाइड मैप टाइप का है ऐसे ही। एंड जो मैंने पूछा था कर्मटी मतलब, वो आप लोग भी कमेंट करना है क्या होता है उसका मतलब, एंड ब्रदर लोग बोल रहे हैं उसका मीनिंग होता है कुछ डार्लिंग या ओ जानेमन टाइप का ना। अच्छा अच्छा, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा जाता है आप लोगों को, उसके बाद बस थोड़ा सा दिखाना है, ये देखो गार्डन वगैरह कुछ ऐसा है, एंड आई थिंक ये पाइन ट्री है, पाइन नहीं है, पाइन नहीं है ना, ओ क्या बोल रहा था उसको, ओ सॉरी सॉरी पाइन नहीं, क्रिसमस ट्री है, ऐसा क्रिसमस ट्री, आप लोगों को पता है तो कमेंट कर रहा है। जो नहीं बताए मुझे वो आप लोग का ऊपर पे है, जो मुझे नहीं पता है वो आप लोग का ऊपर में है। और यहाँ पे एक रॉक गार्डन भी है, और वहाँ पे चिल्ड्रेन पार्क है पास में, एंड ये त्रिपुरा का सबसे अच्छा पार्क है, ये दिखा देता हूँ आप लोगों को रॉक गार्डन, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा चलता हूँ। तो ऐसा कुछ है, और नहीं दिखाऊंगा, हो गया यहाँ पे, एंड अलग जगह चलते हैं अभी। और देखो चिल्ड्रेन पार्क, एंड काफ़ी लोग आता है यहाँ पे, और ये सच लगा रहे काफ़ी लोग आता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत फेमस भी है, वो देखो अभी भी आ रहे हैं, ये वाला गाड़ी भी था, अभी नहीं चल रहा है ना, पंचर हो गया। एंड अभी मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, मुरक गाँव नहीं दिखाऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ ऐसा है देखो। मार्केट में तो उतना खास नहीं है ना, ऐसे नॉर्मल सा है, नॉर्मल मार्केट और मीट सब्जी वगैरह, हाँ हाँ कोई नहीं, चलो हो जाएगा, और कपड़ा मिल जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा यहाँ पे मार्केट होता है खुमुलंग सुपर मार्केट ना, क्या सुपर मार्केट, लेकिन ये मतलब पूरा दुकान नहीं खुलता इसमें। अच्छा मतलब नया नया बनाया है, नया नहीं बनाया लेकिन पूरा नहीं है, नहीं है। अच्छा कुछ स्कूल है, अच्छा अच्छा स्कूल, मल्टीप्लेक्स, अच्छा अच्छा, मतलब
मैंने ऐसे सुना यहाँ पे मूवी हॉल ऐसा होगा होगा अच्छा कंफर्म नहीं है कंफर्म नहीं है